If a line intersects sides AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC. So prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल गिवन है, उसमें जो है एक लाइन जो है किस उस ट्रायंगल की ए बी और ए सी साइड को डी और ई पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, और ये जो लाइन है डी ई ये जो है बी सी के पैरेलल है. हमको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, राइट. सबसे पहले तो देखिए क्योंकि डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, राइट. अब वहां से देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे इक्वेशन को और उसमें वन ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाएगा. तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट, ये गिवन है हमको. सो तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इट मींस ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई. क्या रीजन है, बाय बी पी टी. और बी पी टी क्या है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन, राइट, कोई लाइन जो है थर्ड बीपीडी थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन दो साइड्स को कट करती है और वो लाइन थर्ड साइड के अगर पैरेलल है तो बाकी दो साइड को प्रोपोर्शनली वो इक्वल रेशियो में कट करेगी, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, राइट. अगर क्या है, अगर जो है डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये कंडीशन को मिल गई है. अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें हमको क्या चाहिए, ए डी अपॉन ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए डी अपॉन ए बी चाहिए, तो और साथ में ए ई चाहिए. तो ए डी और ए ई हमको चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, बी डी और सी ई नहीं चाहिए, राइट. तो जो टर्म्स हमको चाहिए होती हैं उसको हम अपॉन में, वो हमको अपॉन में लेनी होती है. क्यों, इसको मैं आगे बताऊंगी. तो इस दो पूरी की पूरी क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करेंगे तो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, यहाँ भी रेसिप्रोकल कीजिए, सी ई अपॉन ए ई, राइट. अब दोनों साइड क्या है, हम वन ऐड करेंगे तो ये जाएगा बी डी अपॉन ए डी प्लस वन, उसी तरह से इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई प्लस वन, राइट. अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके या फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में भी वन, इसके अपॉन में वन, दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर ए डी हमको बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर ए डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ए ई और दोनों का डिनोमिनेटर ए ई. यानी यहाँ पे बी डी और ए डी एड होकर के ए बी फॉर्म करेंगे और सी ई और ए ई एड होके सी ए बनाएंगे, राइट. तो यानी यहाँ से बी डी भी चला जाएगा और सी ई चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए डी और ए ई बचेगा, जो कि हमको क्वेश्चन में जैसे जो हमको प्रूफ करना है उसमें हमको चाहिए ए डी भी चाहिए और ए ई भी चाहिए. तो जो टर्म्स हमको चाहिए हैं उनको अपॉन में लेके आते हैं, राइट. अब यहाँ पे देखिए बी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई. अब वापस से पूरी की पूरी जो है इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल करना है और राइट हैंड साइड भी. तो जगह ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सॉरी ए ई अपॉन ए सी. यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था. एक बार वापस देख लेते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, कोई लाइन जो है इस ट्रायंगल के दो साइड्स ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे कट करती है, साथ ही साथ ये जो डी ई लाइन है वो बी सी की क्या है, पैरेलल है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना है, बी पी डी थ्योरम अप्लाई करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, राइट. अब यहाँ पे जो है ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, इट मींस ये जो डी ई जो है बाकी दो साइड्स ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, राइट. अब ये है कंडीशन बिकॉज ऑफ बी पी टी, करेक्ट.
अब हमको जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसमें हमको प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। हमको AD चाहिए और AE भी चाहिए, राइट। तो जो टर्म्स हमको चाहिए होती है हम उसको अपॉन में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब हम सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो वो AD और AE हमारे पास बच जाएगा, और जो ये BD है वो जो है AD के साथ ऐड होकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा और ये इससे हट जाएगा। उसी तरह से CE जो है AE के साथ ऐड होकर AC बनेगा और यहां से हट जाएगा। अब हमने जो हमने कंडीशन हमको मिली थी उसका रेसिप्रोकल किया दोनों साइड, तो हमारे पास आया BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE। दोनों साइड इस इक्वेशन दोनों साइड वन से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन AE। तो ये BD और AD का सम अगर हम करें, BD और AD का सम करें तो AB बनता है, उसी तरह से यहाँ पे CE और AE का सम करें तो AC बनेगा। तो यहाँ पे AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब हमको जो चाहिए वो जस्ट इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। दोनों साइड वापस रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास आया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।